खुदा यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब जानते हैं कि गुजरे इतवार एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि चर्च ऑफ पेंडिकोस वाक़या 31A ऑफिसर कॉलोनी नजदगिल चौक बाहर कॉलोनी कोट लखपत लाहौर में इबादत के दौरान चर्च पर हमला हुआ। मैं चर्च का मुकामी पासवान पादरी जमील नासिर आपसे बात कर रहा हूँ। चर्च पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ और ना ही किसी गिरोह ने आकर इबादत के अंदर खलल डाला। ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर गलत खबर है। सही खबर यह है कि चर्च के अंदर कसीर तादाद लोगों की आई हुई थी और जैसे इबादत ख़त्म हुई लोग अपने अपने घरों को रुखसत हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। लोग गलियों के अंदर पार्क करते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ। तो वहाँ गाड़ी जो पार्क की गई थी वो एक दुकान थी और वो दुकान भी मसीही की थी, जहाँ पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। जब यह तनाज़ा ने शिद्दत अख्तियार की तो बुनियादी तौर पर चर्च के एक कसीर तादाद आ रही थी, तो लोगों ने यह समझा कि चर्च के ऊपर हमला हो गया। तो चर्च के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। ये भर पार्किंग के तनाज़े की बुनियाद पर यह खबर जो है गलत तरीके से कम्युनिकेट की गई है। तो मैं पादरी जमील नासिर इस खबर को कंडेम करता हूँ और आपको सही खबर ये दे रहा हूँ कि चर्च बिल्कुल महफूज है, कलिसिया बिल्कुल महफूज है और वो दोनों ग्रोह जो हैं वो दोनों के दोनों मसीही हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पुलिस ने बर वक्त मदाखलत की और उनकी मदाखलत की बिना पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सो चर्च ऑफ पेंडिकोस पुलिस का, मुकामी SHO साहब का और तमाम एजेंसीज़ का, तमाम सिक्योरिटी अदारों का नहायत हम दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस मसले को नहायत अक्लमंदी और खिरदमंदी से हल किया। सो थैंक यू वेरी मच आप सबों का। इस खबर को लोगों तक पहुंचा दीजिए कि चर्च बिल्कुल महफूज है। थैंक यू वेरी मच।